जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर और सेकेंड पेपर एक्शन रिसर्च से एक आपसे सवाल कहता है कि अपने शिक्षण विषय से एक समस्या का चयन करके उस पर एक क्रियात्मक अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करिए। या फिर कभी कभी आपसे सवाल ये पूछता है कि अपने विद्यालय से एक समस्या का चयन करके उस पर एक क्रियात्मक अनुसंधान। द क्वेश्चन माइट आस्क लाइक सेलेक्ट अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर पेडागोजिकल सब्जेक्ट और सेलेक्ट अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर स्कूल एंड प्रिपेयर एन एक्शन रिसर्च प्रपोजल ऑन इट। आपको क्या करना है, एक समस्या का चयन करना है। आपसे आपके शिक्षण विषय का भी पूछ सकता है और आपके विद्यालय का भी पूछ सकता है। तो हम इसमें जो हल करेंगे वह विद्यालय से संबंधित समस्या है, आपके शिक्षण विषय से संबंधित भी समस्या वही होगी, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब वो क्या चीज़ें, आइए पहले प्रश्न को देखते हैं कि समस्या क्या हमने चयन किया है। तो दोस्तों, हमने समस्या यह चयन किया कि जो छात्र है ना, वो कला की कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं। छात्रों की कक्षा कालांश में अनुपस्थिति, बच्चे बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं, ये हमारी समस्या है। तो यह समस्या आपके सब्जेक्ट से भी हो जाएगी और आपके स्कूल की भी समस्या हो जाएगी, लेकिन मोस्टली सब्जेक्ट की होगी। अब मान लीजिए आपका विषय है विज्ञान, तो आप लिखिए कि छात्रों का विज्ञान प्रयोगात्मक कक्षा में अनुपस्थिति, कि विज्ञान के प्रैक्टिकल में वो नहीं टिकते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, ये हमारी समस्या है। तो अब हमें इस पे क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रपोजल तैयार करना है। और आपको पता है क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है कि किसी शैक्षिक समस्या का वैज्ञानिक विधि के द्वारा अपना हल निकालना है। तो अब समस्या तो हमारे सामने आ गई कि बच्चे कला की क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं, उपस्थित नहीं रहते हैं। मान लीजिए यहाँ विज्ञान हो तो बच्चे विज्ञान की क्लास में उपस्थित नहीं रहते। तो अब आइए इस समस्या का हम समाधान करते हैं। तो ये प्रपोजल देने के लिए, आपका इस पर क्रियात्मक अनुसंधान का शोध तैयार करने के लिए कुछ विधियाँ हैं। तो इस पॉइंट के साथ आप अपना लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने ऊपर समस्या लिखा कि समस्या क्या है। समस्या यह है कि छात्रों की कक्षा कलास में अनुपस्थिति होती है। अब समस्या का सीमांकन क्या है कि यह समस्या कहाँ की है। तो आपने लिख दिया राजकीय उच्च महाविद्यालय, नाम नहीं मेंशन करना है, ठीक है, आपने डैश डैश लिख दिया। अब ये समस्या का क्या कारण है, आपको एक संभावित कारण निकालना है कि आखिर बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अगर हम कला की बात करें तो पहला संभावित कारण हो सकता है कि कला कक्षा का अभाव, कला की एक ऐसी कक्षा जहाँ पे रुक सके उसके लिए अभाव है, एक कला की स्पेशल क्लास होनी चाहिए। अगर आप विज्ञान के बारे में लिखे तो लिख सकते हैं कि विज्ञान की प्रयोगात्मक कक्षा का अभाव। और यह संभावित कारण को साक्ष्य किसी के द्वारा आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं, तो परीक्षण के द्वारा। आप जब जाके विद्यालय में परीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, यह स्थिति सही है। अब दूसरी समस्या है कि कला कक्षा में सामग्री की कमी, उस क्लास अगर जो भी क्लास है उसमें सामग्री ही नहीं है। यह बात आपको साक्ष्य कैसे पता चली, कला के अध्यापक से बात करके पता चली। आप विज्ञान के लिखना चाहते हैं तो लिखिए विज्ञान प्रयोगात्मक कक्षा में सामग्री की कमी, विज्ञान के अध्यापक से वार्ता के बाद यह आपको पता चली। कला विषय में छात्रों की रुचि न होना, ये कैसे पता चलेगा, छात्रों से बात करके पता चलेगा। अनुभवी अध्यापकों का अभाव, मतलब ऐसे टीचर नहीं है जिनको इस मामले में अनुभव हो, ये कैसे पता चला, शिक्षक अनुभव के द्वारा। और अध्यापक द्वारा प्रयोग करने पर बल नहीं दिया जाना, मतलब टीचर बिल्कुल लाइट ले रहा है, अरे चलो हटाओ यार, कर रहा है या करना नहीं। तो ये भी एक संभावित कारण हो सकता है कि इन कारणों से बच्चे उस कक्षा में नहीं रुकते, चाहे वो कला की हो या विज्ञान की हो, आप अपने हिसाब से लिखिए। अब आइए, आपने क्या किया, क्रियात्मक परिकल्पना किया, आपने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि चलो हम अगर ये कारण कर देते हैं, ये नई चीज़ कर देंगे तो शायद बच्चे रुकेंगे कक्षा में। तो आपने परिकल्पना किया है, ठीक है, यहाँ पे आप क्रियात्मक परिकल्पना कर रहे हैं, जो आपको हल निकालना है ना वो आपका परिकल्पना कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, छात्रों के लिए कला कक्ष सुनिश्चित की, सुनियोजित ढंग से व्यवस्था करने पर छात्रों की अनुपस्थिति में कमी आ जाएगी। आपने सोचा कि अगर एक कला कक्ष की सुनियोजित ढंग से व्यवस्था कर दी जाए तो छात्रों के अनुपस्थिति में कमी आ जाएगी, आपने ये सोचा, अच्छा किया। आपने दूसरा देखा कि सोचा कि परिकल्पना की कि कला कक्ष में छात्रों हेतु उपयुक्त सामग्री की व्यवस्था हो जाने पर छात्रों की उपस्थिति अधिक हो जाएगी, ये भी आपने परिकल्पना कर ली। आगे आपने परिकल्पना की, अच्छा परिकल्पना का मतलब ये नहीं कि आप रिटर्न, आप कुछ भी सोच सकते हैं कि कक्षा में बच्चे नहीं आ रहे तो हम उसे कैसे रोकेंगे, ठीक है, ये अपना परिकल्पना है। तो आपने सोचा कि अगर अध्यापक द्वारा छात्रों को कक्षा शिक्षण के विषय अधिक जानकारी दे, मतलब
कला के बारे में या विज्ञान के बारे में अधिक जानकारी दे तो छात्रों के अंदर रुचि उत्पन्न होगी और उससे बच्चे रुकेंगे। आपने सोचा कि अगर हम टीचर को ट्रेनिंग कर दें कि बच्चों को खेला के कैसे पढ़ाना है तो बच्चे ज़्यादा रुकेंगे। आपने यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा गलत दिया है, इसको आप मत लिखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो उसको दंड दे, दंड देने के बाद भी बच्चे हो सकते हैं आने लगे, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको ये करना है कि जो बच्चे क्लास में रेगुलर आते हैं, जो प्रतिदिन उपस्थित होते हैं, आप उन्हें प्रोत्साहन देंगे, आप उनकी तारीफ करेंगे, आप उन्हें वेरी गुड देंगे, तो इस तरह से क्या होगा, इस परिकल्पना से छात्रों की संख्या अच्छी होने लगेगी और छात्र कक्षा में आने लगेंगे। तो ये आपने परिकल्पना कर ली, ठीक है। अब आइए, परिकल्पना करने के बाद आपने क्रियात्मक अभिकल्प किया। क्रियात्मक अभिकल्प मतलब आपने जो भी परिकल्पनाएं की थी उसको एक बार लागू करके देखा कि चीज़ें सही हुई कि नहीं हुई। तो आपने देखा कि प्रथम परिकल्पना क्या था कि कला कक्ष में छात्रों हेतु उपयुक्त सामग्री की व्यवस्था हो जाने पर छात्रों की अनुपस्थिति में कमी आ गई। आपने अच्छे से सारे सामग्री इकट्ठा कर लिए तो आपने देखा कि बच्चे सारे आने लगे। परीक्षण करने के लिए तैयार किए गए क्रियात्मक अभिकल्प निम्न ढंग से किया जा सकता है। अब आपने ये दिखाया कि आपने जो उसको लागू किया था कैसे लागू किया, तो वह क्रिया लागू की थी, विधि, सामग्री और अवधि, कितने दिन तक वो आपने कार्य किया था। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी समझने वाली बात है। तो आपने क्या किया, कला कक्ष में जिन वस्तुओं व उपकरणों या सामग्री का अभाव था उसकी सूची तैयार कर ली। इसमें किसने आपकी सहायता करी, सहयोगी कला कक्ष के अध्यापक से वार्ता करके, निरीक्षण करके आपने उनसे बात करी और देखी कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं है। तो आपने इस प्रकार क्या क्या सामग्री कम थी, सो हैंडमेड शीट, रिबन, लेटर या फिर जो भी आपकी कला की या फिर विज्ञान की जो भी सामग्री हो आपने 7 दिन के अंदर इन सब की इकट्ठा कर ली, ठीक है। जिस कंपनी की सामग्री की व्यवस्था करनी थी, ठीक है, उसकी सूची तैयार कर ली। फिर भी आपने सहयोगी कला कक्ष से बात कर ली, 3 दिन आपका समय उसमें लगा। विद्यालय के सभी उपयोगी सामग्री की व्यवस्था हो जाने पर छात्रों को नई नई वस्तुएं अध्यापक द्वारा सिखाया जाने लगा। इसमें क्या हुआ, कला कक्ष के सभी विद्यार्थी को सिखाया जाने लगा। 5 दिन इसमें टाइम लग गया। और फिर अगले 3 दिन में आपने देखा अध्यापक द्वारा छात्रों को नई नई वस्तुएं बनाने पर बल देने पर छात्रों द्वारा प्रयत्न व प्रयास किया जाना, अध्यापक द्वारा छात्रों के प्रयास करने के प्रेरित करना। तो अब देखा आपने 7, 3, 10, 5, 15, 3, 18 आपने 18 दिन की परिकल्पना करी और उसका अब लागू किया और आपने देखा कि छात्रों की संख्या जो अनुपस्थिति थी वो कमी आ गई, छात्र ज़्यादा उपस्थित होने लगे। तो आपका परिणाम क्या निकला, परिकल्पना से वर्णित सुझावों से छात्रों की अनुपस्थिति में कमी आई, अतः परिकल्पना को स्वीकार किया जा सकता है। अगर मान लीजिए पहली परिकल्पना में नहीं होती है परिकल्पना, तो आप दूसरी परिकल्पना करेंगे और दूसरी परिकल्पना की इसी प्रकार से सारणी बनाएंगे। मगर एग्ज़ाम में आपको पूरा नहीं लिखना है, बिल्कुल आपको ये बताना है कि हाँ आपको ये चीज़ें पता है, इसका आपको नॉलेज है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में लिखिए और लास्ट में सामान्य निष्कर्ष लिख दीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान के उपरोक्त वर्णित सोपानों के अनुसार से प्राप्त परिणामों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम परिकल्पना के रूप में प्रयुक्त सुझावों को लागू करने पर छात्रों की अनुपस्थिति को दूर करने के प्रभावी स्वीकार किया जा सकता है। यदि प्रथम परिकल्पना के परीक्षण से सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं तो दूसरी, तीसरी और इसी प्रकार से आगामी परिकल्पनाओं का परीक्षण दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले ही जो भी आपको चीज हो, अब एक बार और समझ जाइए, वीडियो को खत्म करेंगे यहीं पे। समस्या, आपका जो भी प्रश्न पूछे आप उसकी समस्या को नोट करिए, ठीक है। आप नीचे समस्या का सीमांक करिए, उसके बाद संभावित कारण देखिए, क्या वो जो भी समस्या उसके क्या कारण हो सकते हैं, संभावित कारण और साक्ष्य आपको ये कैसे मिला। अब उसके बाद आप परिकल्पना कर लीजिए, ठीक है, परिकल्पना कर लीजिए कि कौन से विधि से वो सही होगा और जिस विधि से सही हो उसका यहाँ पे आप रूपरेखा दिखा दीजिए कि आपने वो कैसे तैयार किया। दिन, हेडमास्टर, हेडिंग बना के आप लिख दीजिए और लास्ट में परिणाम लिख दीजिए कि इस परिकल्पना से चीज़ें समझ। बहुत आसान से दोस्तों मैंने समझाने की कोशिश करी है। एक प्रश्न इससे आपसे अक्सर पूछा जाता है कि अपने शिक्षण विषय से एक समस्या का चयन करके उस पर क्रियात्मक अनुसंधान का प्रस्ताव करिए। मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा इस टॉपिक पे, बिल्कुल नया है ये, नई चीज़ें हैं, बहुत कम बच्चों को इसके बारे में आइडिया होता है, लेकिन इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 और वीडियो, 2-4 नहीं मतलब 2-3 और वीडियो बनाऊं ताकि चीज़ें और डाउट क्लियर हो जाए। बाकी इस वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइए, क्योंकि आपके कमेंट में बताने से
मुझे और मोटिवेशन मिलता है, मुझे और इंस्पिरेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ। तो कमेंट में बताइए कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, क्या आपसे एग्ज़ाम में अगर ऐसे पूछता है तो आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। और ये जो फोटो है इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।